लहसुन को आप सरसों के तेल में बिल्कुल काला हो जाने तक गर्म कर ले, बिल्कुल जल जाए लहसुन तब तक गर्म कर ले, और उसी में आप चाहे तो एक लौंग ऑयल डाल दें, उसको भी पूरा जला लें, और इन दोनों को हल्का गुनगुना सा अपने कान में डाल लें। 2 मिनट के अंदर अंदर दोस्तों आपको कान के दर्द में बिल्कुल आराम हो जाएगा। साथ ही आप चाहे तो तिल का भी तेल ले सकते हैं, तिल का तेल और ज्यादा फायदा करता है। तिल के तेल में एक लौंग डालकर उसको पूरा जला लें और उसके बाद इसको धीरे धीरे अपने कान में डाल लें, तो आपका जो कान का दर्द है उसमें तुरंत तत्काल राहत मिल जाएगी। और सरसों का तेल तो आप वैसे भी अगर डालते हैं कान में तो यह आराम करता है आपको। दोस्तों सरसों का तेल, तिल का तेल और लहसुन, और एक और फार्मूला है प्याज का। प्याज का आप जानते होंगे अधिकतर लोग, प्याज का रस भी अगर आप कान में डालते हैं तो भी आपको तत्काल आराम मिलेगा। दोस्तों इसके सिवा कपूर जो होता है, कपूर को अगर आप तिल के तेल में मिलाकर और डालते हैं कान में तो भी आपको दर्द से आराम मिल जाएगा। दोस्तों कई सारे तरीके हैं लेकिन जो आपको सूट कर जाए। हालांकि तिल का तेल गारंटेड है, ये आपको पक्का असर करेगा। तिल के तेल में आप कपूर मिलाएं या लौंग मिलाएं, हल्का कुनकुना करके इसको कान में डाल लें, आपको तुरंत राहत मिलेगी। लहसुन का फार्मूला बहुत से लोगों को पता है, दादी दादी ये बहुत पुराने समय से गाँव में आज भी इस्तेमाल होता है।